आज नाश्ते में खा रहा हूँ छोले और भटूरे। मैंने कभी छोले भटूरे खाए नहीं हैं। अगर मैं शायद आपकी ज़िंदगी में अगर कोई वैल्यू ऐड कर पाऊँ, मेरा मकसद यही है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो रहा है 10:30 और मैं जा रहा हूँ आज ऑफिस। आज सैटरडे है लेकिन फिर भी ऑफिस खुला हुआ है क्योंकि वीकली में सैटरडे को भी वहाँ ऑफिस है, मतलब 6 डेज वर्क है, तो मुझे सैटरडे को भी ऑफिस आना पड़ता है। और आज मैं सैटरडे को मोस्टली लेट से ही जाता हूँ। अभी ये पूरा सिटी सेंटर पहुँच चुका हूँ, मैं लूँगा ऑटो यहाँ से। मैं ऑफिस पहुंच गया, 10:30 हो रहे हैं। ओ भैया, सक्सेस, फिर अंदर जाऊंगा मैं। तो आज सैटरडे है और ये वीक डे है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, लंच हो गया, लंच ब्रेकफास्ट, लंच करने के बाद, काम वगैरह करने के बाद फ्री हो गए इंशाल्लाह थोड़ी देर में। गया था छोले और भटूरे, तो मैं आज नाश्ते में खा रहा हूँ छोले और भटूरे। मैंने कभी छोले भटूरे खाए नहीं है, एक मतलब कभी ट्राई नहीं किया है। सोचते हैं कि आज हो जाता है कि छोले भटूरे ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है, मतलब लोग कैसे खाते हैं, क्या टेस्ट है आपके। वही ट्राई करता हूँ मैं छोले भटूरे। ये भटूरे ये है छोले, ठीक ही है। मस्ती नाश्ता मेरा बाहर से ही होता है। तो मैं पहली बार छोले भटूरे खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। आज मैं टेस्ट कर रहा हूँ लेकिन ठीक लग रहा है एक तरह से, लेकिन ये हेल्थ कॉन्शियस है नहीं। ये पूरे डीप फ्राई में मैदा, अभी मैदा है, आटा भी, आटा भी नहीं है, लेकिन भी ठीक है, कभी कभी तो चलेगा। तो हेलो गाइस, अभी 5 बज रहा है और आज सैटरडे है और मोस्टली सैटरडे को सारा लोग पहले ही निकल जाते हैं, तो मैं तो लेट से निकला हूँ। अभी 2 घंटे लेट से निकला हूँ, काम कभी ख़त्म नहीं होता है इसीलिए। और ये मैं जा रहा हूँ पैदल ही, आगे रिक्शा मिलेगा तो वहाँ से मैं चला जाऊँगा मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से मेट्रो पकड़ के घर। तो आज का कुछ ब्लॉग यार ख़ास बन नहीं पा रहा है, और ब्लॉग अगर बनेगा तभी जब हम कहीं घूमने अच्छा जाएंगे, कहीं अच्छा जगह घूमने जाएंगे, अच्छी जगह खाने पीने जाएंगे। अभी फ़िलहाल एक सप्ताह जो ब्लॉग शुरुआत मैंने जो करा है वो इधर उधर का ही, थोड़ा मोड़ा इधर, ऑफिस, घर, रूम, बस यही सब का। लेकिन अगर मैंने चैलेंज लिया है 100 डेज़ का, तो एक चीज़ है कि मैंने अगर चैलेंज लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, ब्लॉग तो मैं करूँगा, ब्लॉग रिकॉर्ड तो करूँगा ही, चाहे मज़ा आए या नहीं आए। इससे क्या होगा कि अगर मैं छोड़ देता हूँ अपने चैलेंज को, जो हमारा गोल है उस वो अचीव नहीं हो पाएगा, इसीलिए अब मैं प्रोकास्टिनेट नहीं करूँगा किसी भी तरीके से। और मेरा एक गोल है कि मैं ब्लॉग बनाऊँगा तो बनाऊँगा। रीज़न यही है कि मैं जो भी काम डेली कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली आप लोग को भी नहीं पता चल पा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं करता भी हूँ जो नहीं दिखा पा रहा हूँ ब्लॉग में,
और कुछ प्राइवेसी कंसर्न के वजह से बस उतना ही दिखा पा रहा हूँ जितना मतलब दिखा सकता हूँ, और बाकी चीज़ प्राइवेट है उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। जब ज़रूरत आएगा कि हाँ मुझे लगेगा कि डिस्क्लोज करूँ, या आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दो, पूछो क्वेश्चंस और बताओ कि क्या है, क्या अच्छा लग रहा है, नहीं है, आप ये चीज़ें और अच्छा से दिखा सकते हो, तो चीज़ें अगर सामने से आएगा तो मैं उसमें इंटरेस्ट लूँगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो ये सब सारी चीज़ें अब सब कुछ मैं ऐसे ही दिखाने लगूँ, ये करने लगूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, या मान लीजिए कि जो व्यू है जो मतलब कि जो देख रहे हैं मेरे ब्लॉग्स को, अगर उनको मुझ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो फिर मैं अपने सारे एफर्ट्स क्यों डालूँ। तो रीज़न यही है कि एफर्ट डालेंगे धीरे धीरे इंटरेस्ट पे, जैसे जैसे इंटरेस्ट आता जाएगा वैसे वैसे मैं चीज़ें करूँगा, आगे बढ़ूँगा, और इंशाल्लाह तो उम्मीद है कि आप ब्लॉग पे बने रहिए और वीडियो देखते रहिए और लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो अगर चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो व्यू आता है वो यूनिक व्यू होते हैं, और यूनिक व्यू वाले कभी सब्सक्राइब करते नहीं, पता नहीं क्यों, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी तो रीच बढ़ेगा, या लाइक करेंगे तभी तो रीच बढ़ेगा। तो आज सैटरडे था तो मैं सोच रहा था कि चलते चलते अगर बात हो जाए, बात मैं कर पाऊँ तो ये चीज़ें सही है, क्योंकि खुल के बात करना में ही भलाई है। अगर आप खुल के बात करोगे तो एंड यूजर आपको समझेगा, मतलब आप मुझसे बात करो या मैं आपसे बात करूँगा तो समझ आएगा एक दूसरे को कि एक्चुअल में क्या चाहिए, क्या नीड है। तो गाइस आप देख ही रहे हो मेरा हशर, मैं कितना दूर से आता हूँ ऑफिस, फिर जाता हूँ, खुद से खाना बनाना होता है, फिर अगर पढ़ना होगा तो पढ़ाई करने का उतना टाइम ही नहीं मिल पाता, लेकिन इसमें से ही थोड़ा मोड़ा पढ़ पाता हूँ। बहुत सारे चीज़ें करने का मन है, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे गोल्स हैं जिसको पूरा करना है, और अकेले ज़िंदगी में खुद से कुकिंग करनी है, खाना है बनाना है, कपड़े साफ करने हैं, चीज़ें हैं। तो अगर आप बाहर से आके, अगर आप किसी दूसरे जगह पे काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो ये सब कुछ आप ही को स्ट्रगल करना होगा। अगर मैं कर पा रहा हूँ तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आप भी कर पाओगे, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ वहाँ से अगर आप भी बिलोंग कर रहे हैं, आप अकेले रहते हैं, अकेले पढ़ाई करते हैं, अकेले काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मैं ब्लॉग बना पा रहा हूँ, और इतना बिज़ी भी रहता हूँ कि टाइम नहीं मिलता, कभी कभी तो देखना कि इस ब्लॉग में मैं 3-3, 4-4 बजे रात को ऑफिस से जाऊँगा घर पर, तो वो सब मैं ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि उसमें ब्लॉग नहीं बनाता था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी का मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे ब्लॉग बनानी चाहिए, तो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ताकि अगर जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं उसे सॉल्व करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि एक्चुअल में कि आज रात को क्यों रुका था, नहीं है। अगर आपको मुझसे किसी भी चीज़ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, बेधड़क पूछ सकते हो, मेरी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि ये इतना बड़ा जर्नी मैं अगर ट्रेवल किया हूँ, अगर मेरा जितना एक्सपीरियंस है, तो अगर आप अगर मेरे से कम एक्सपीरियंस है तो मुझे कहीं ना कहीं मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है, और मेरा मकसद ब्लॉग बनाना ही नहीं, खुद के लिए नहीं, मेरा मकसद ये है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ तो शायद मैं अपने मेमोरी को क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि अगर कल मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मेरे बच्चे देखेंगे दादाजी कैसे पहले स्ट्रगल करते थे, घूमने जाते थे, ऑफिस से काम करके निकलते थे, तो वो शायद उनके ज़िंदगी में मेरी बनाई हुई वीडियो जो ब्लॉग्स है वो उनके ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर पाएगी, ताकि वो मोटिवेट हो पाएंगे कि अगर मैं कर रहा था उस समय मुझसे भी ज़्यादा फैसिलिटी उनके पास होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो शायद वो भी कर पाएंगे। और मैं अपने लिए ब्लॉग्स बना रहा हूँ लोगों के, अगर मैं शायद आपकी ज़िंदगी में अगर कोई वैल्यू ऐड कर पाऊँ, मेरा मकसद यही है कि मैं शायद लोगों की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, तो मैं उसके लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। तो बहुत सारा बात हो गया, चलते चलते मैं पहुँच गया रास्ते पे, और
यहाँ से मैं लूँगा ई रिक्शा। ऑफिस से मेट्रो तक का लगता है 20 रुपये और सुबह यहाँ से जाता हूँ मैं ऑटो से तो वो लगता है 50 रुपये। तो ये है मिलेनियम सिटी। इस वाले जो मिलेनियम सिटी है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है लेकिन इसके ऊपर अच्छे अच्छे कंपनीज हैं।